एक गाइस, अगर आप भी अपने एचपी गैस सिलेंडर की सब्सिडी वगैरह चेक करना चाहते हैं या फिर आप उसके बारे में और कुछ पता करना चाहते हैं तो आप इसके लिए उनकी वेबसाइट पर जाते होंगे जहां पे आपको एक नए यूजर के तौर पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो वहां पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक एलपीजी आईडी एंटर करनी होती है और साथ ही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना होता है जो कि आपके पासबुक पे नहीं लिखा होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके बिना गैस एजेंसी पर जाए हुए अपनी एलपीजी आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पता कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप myhpgas.in की वेबसाइट पे आते होंगे या फिर आप एलपीजी की वेबसाइट पे जाते होंगे, वहां से आपको यहां पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता होगा। यहां पे आने के बाद आपको कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे सब्सिडी चेक करना चाहते हैं, कुछ भी आप यहां पे करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यहां पे एक नए यूज़र के तौर पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इसके लिए आप यहां पे क्लिक करते होंगे। यहां पे आने के बाद आपको यहां पे एलपीजी आईडी इंटर करना होता है या फिर आप इस डिटेल को फिलअप कर सकते हैं अगर आपके पास एलपीजी आईडी नहीं है। और दूसरा, आपको यहां पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करना होता है। तो अगर आपके पास एलपीजी आईडी या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि इन दोनों को आप किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो बैक करके आप होम पेज पे आएंगे तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे आप यहां पे एलपीजी आईडी को पता कर सकते हैं। तो इसके लिए नीचे आप यहां पे आएंगे। आने के बाद आपको यहां पे फाइंड योर 17 डिजिट एलपीजी आईडी लिखा होगा, 17 डिजिट एलपीजी आईडी, आप इस पे क्लिक करेंगे। आपके सामने यहां पे ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहां पे क्यूब सर्च देखने को मिल जाएगा, आप इसके थ्रू भी अपने एलपीजी आईडी को पता कर सकते हैं। आप यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर का नेम इंटर करेंगे, यहां पे अपना कंज्यूमर नंबर इंटर करेंगे और नीचे आप यहां पे कैप्चा फिलअप करके प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पे आपकी एलपीजी आईडी आ जाएगी। दूसरा यहां पे जो तरीका होता है नॉर्मल सर्च का होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहां पे नॉर्मल सर्च के थ्रू अपनी एलपीजी आईडी को पता करके आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आप यहां पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको यहां पे स्टेट है। यहां से आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी यहां पे डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट आपको वही सेलेक्ट करनी है जहां की आपकी गैस एजेंसी है, ठीक है। उसके बाद आप यहां से अपना डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करेंगे। आपके इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे सारे आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। आपकी कंपनी का, आपकी गैस एजेंसी का जो भी नाम है, सिंपल सा आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे अपना कंज्यूमर नंबर इंटर करेंगे जो कि आपको आपके पासबुक पे देखने को मिल जाता है। कंज्यूमर नंबर इंटर करने के बाद आप ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप करेंगे, फिर नीचे आप यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा योर 17 डिजिट एलपीजी आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप इसे यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं या फिर आप इसे कहीं पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी एलपीजी आईडी को पता कर सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे जान लेते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को पता कर सकते हैं बिना किसी गैस एजेंसी पे जाए हुए। जिस भी कंपनी का आपका पासबुक है, पासबुक को लेने के बाद आपको पासबुक के पीछे एक नंबर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि सामने आप यहां पे देख सकते हैं। तो अगर आपके पासबुक पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है तो आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं। ये सारे गैस सिलेंडर के लिए होता है, चाहे आपका एचपी का गैस हो, भारत का हो या फिर इंडेन का हो, ये सारे गैस सिलेंडर के लिए यहाँ पे है। तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को काफ़ी आसानी से पता कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरी बात करें, जैसे मैंने इस नंबर पे कॉल किया, कॉल करने के बाद मुझसे यहाँ पे कुछ डिटेल्स पूछी गई जो कि आपको आपके पासबुक में देखने को मिल जाती है। पहला यहाँ पे है कंज्यूमर नंबर, कंज्यूमर नंबर भी आपको आपके पासबुक में देखने को मिल जाता है। स्टेट आपको यहाँ पे बताना होता है, जिला आपको यहाँ पे बताना होता है और आपको अपने कंपनी का नाम बताना होता है जहाँ से आप सिलेंडर लेके आ रहे हैं, वो भी आपको आपके पासबुक में देखने को मिल जाता है। कंज्यूमर नंबर, स्टेट वगैरह बताने के बाद आपकी डिटेल्स वहाँ पे शो हो जाती है। आपको अपना नाम कंफर्म करना होता है, कंफर्म करने के बाद आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बता दिया जाता है। और अगर आप वहाँ पे कुछ और भी जानकारी चाहते हैं तो आप उसे भी जान सकते हैं कि आपके कौन से खाते में सब्सिडी जा रही है, कुछ भी आप वहाँ पे जान सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके बिना गैस एजेंसी पे जाए हुए अपनी एलपीजी आईडी और साथ ही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी पता कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं।